हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट हार्डकोर वीडियो। तो आज की साली वीडियो में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। तो आज की साली वीडियो में मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा जाइंट फार्म बनाऊंगा। तो गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कौन सा फार्म बनाऊं, तो इसलिए आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताने में कौन सा फार्म बनाऊं। आप कमेंट करना, मैं इतना बड़ा बनाऊंगा ना, और वो भी पॉकेट एडिशन में बहुत ही अच्छे तरीके से। आप लोगों को बिल्कुल मज़ा आएगा। तो आज भी हम बहुत सारे काम करने हैं, और मुझे ऑफलाइन माइनिंग करके बहुत सारे डायमंड मिल गए हैं, तो उन्हें मैंने माइन करके उसकी जो सारी चीज़ें थी वो भी मैंने क्राफ्ट कर ली हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, और मैंने कल दिखाई दिया था क्रिएटिव में से हो ही नहीं सकता इसमें से, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और हमने देखो एनविल भी बना लिया है मैंने, बहुत सारा मतलब आयरन गोल्ड बहुत सारी चीज़ें पड़ी है मेरे पास, स्टोन भी पड़ा है। तो घर भी बनाना है, मतलब कासल बनाऊंगा मैं, और बहुत बड़े बड़े फार्म्स भी बनाने हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सीरीज़ होने वाली है। तो गाइज, हम 50 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। जल्दी से जाओ सब्सक्राइब का बटन दबा के उसे ग्रे कर डालो, और वीडियो पे मैं इस वीडियो पे एम करता हूं ओनली कितना करूं? चलो जितना भी आपको करना है आप कर दो। तो दिखाता हूं मैं सारे अपने डायमंड के टूल वूल, बड़ा ही मज़ा आएगा रे। तो गाइज, यहाँ पे मैंने एक चेस्ट रख दी थी, क्योंकि इतना सामान मैं कहाँ पे रखता। तो ये देखो, यहाँ पे डायमंड की सॉर्ट बना ली, डायमंड की पिकेक्स, डायमंड एक्स, डायमंड शवल, डायमंड बूट्स, डायमंड चेस्टप्लेट, और दो डायमंड्स मैंने बचा रखे हैं एन्चेंटमेंट टेबल के लिए। तो उसकी रेसिपी, दो डायमंड्स और बाकी ऑब्सीडियंस लगते हैं उसमें। तो गाइज, थोड़ी हवा चल रही है उसको, उसके लिए सॉरी, और इग्नोर भी कर देना उसे। तो एन्चेंटमेंट टेबल सर्च कर लेता हूँ, टेबल अपने आप ही आ जाएगा, आ जा रे, आ जा, ये रहा। तो गाइज, बस एक बुक और चार ऑब्सीडियन चाहिए, तो मैं आज चार ही ऑब्सीडियन लूँगा, क्योंकि जो हम नेदर पोर्टल बनाएंगे वो भी हम कोई छोटा मोटा या ऐसा नहीं बना डालेंगे। तो यहाँ पर पता नहीं क्या है, यहाँ पे स्लाइम स्पॉन हो जा रही है, तो ये भी बहुत अच्छा है मुझे, क्योंकि फार्म्स बनाने के लिए मैं स्लाइम का फार्म बनाऊँगा, लेकिन यहाँ पे भी स्पॉन हो रही है तो अच्छा है मुझे। यहीं के यहीं बहुत सारा स्लाइम मिल रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारा लावा पड़ा था, उस लावा में मैंने वाटर ले लिया है, पीछे आपने लास्ट एपिसोड में देख ही लिया होगा, वाटर पड़ा था बहुत सारा। तो यहाँ पे डाला ये मैंने पानी, ये बन गया सारा ऑब्सीडियन। मुझे टॉर्च चाहिए होगी, कोई क्रीपर व्रीपर ना के फट जाए। तो बस सब ठीक, अब इसे तोड़ता हूँ। इतना हार्ड है ऑब्सीडियन, ये मैंने अपनी सर्वाइवल वाली सीरीज़ में भी नेदर बना रखा, लेकिन उसमें मैंने खास नहीं बनाया। लेकिन ये वाली जो सीरीज़ है गाइज, आप इसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करो, बहुत अमेजिंग इसमें चीज़ें बनने वाली हैं। आप भी कहोगे क्या मज़े, ऐसी चीज़ें आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो आज पहले मेरे को एन्चेंटमेंट टेबल बनाना है, शुगर केन ढूंढ करके, शुगर केन का ही मैं बहुत बड़ा फार्म बनाऊंगा। लेकिन आज मैं इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि अभी मेरे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें क्राफ्ट कर पाऊँ। तो चारों मैंने ले लिए ऑब्सीडियंस, अब यहाँ से फुल स्पीड में भागता हुआ चलता हूँ। अपना डायमंड का फुल सेट अभी होने में, तो मैं ऑफलाइन माइनिंग करता रहता हूँ और करता भी रहूँगा। तो यहाँ पे मुझे बुक तो ऊपर से ही मिलेगी, तो यहाँ से ये सारा सामान भी मुझे ऊपर ले जाना है। जो कूड़ा वूड़ा है उसे यहीं फेंक जाता हूँ, लेकिन जो कीमती सामान है ना उसे ऊपर ले कर चलना है। तो ये सारा मैं कर लेता हूँ सेट। तो मेरे पास रेडस्टोन बहुत ज़्यादा है, तो उसका मैं काम करता हूँ, ब्लॉक बना लेता हूँ, तो एकदम सही सीन हो जाएगा, ब्लॉक से ज़्यादा जगह भी नहीं घिरेगी, और ये सब एक जगह सेट भी हो जाएगा। 28 ब्लॉक ऑफ रेडस्टोन बनेंगे भाई साहब। मैं चाहूँ तो पिस्टन्स भी बना सकता हूँ, ऑब्जर्वर, ड्रॉपर सब बना सकता हूँ। तो आप कमेंट करके बताना आपको कौन सा फार्म चाहिए पॉकेट एडिशन के लिए, आयरन फार्म, स्टोन फार्म। स्टोन फार्म मैं छोटा नहीं बनाऊंगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा बड़ा आयरन फार्म भी होगा, उसमें से मुझे इतना आयरन मिलेगा ना पर सेकंड, बहुत ज़्यादा, मैंने सब डिसाइड कर रखा है। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सीरीज़ होने वाली है, आप लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं स्टोन भी ले जाता हूँ यहाँ से, ये तीन का मैं क्या करूँगा, ये जितनी भी स्टोन पिकेक्स हैं, स्टोन एक्स, इन्हें मैं यहीं पर छोड़ जाता हूँ, और ये साथ लैपिस लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे एन्चेंटमेंट भी करनी है ना। ये ग्रेवल का भी मुझे कोई काम नहीं है, स्मूथ स्टोन का भी कोई काम नहीं है, एंड जो वाटर बकेट का काम है, डर्ट लगाता हुआ ऊपर जाना है, ये स्टोन ब्रिक्स का भी मुझे ऊपर कोई काम नहीं है खास। ये 9 प्लैंक्स में यहीं पे रख देता हूँ, अगर कभी कमी पड़ गई यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएंगे ना, सही सीन रहेगा एकदम। तो मैं यहाँ से जितना हो सकता है उतना स्टोन लेके चलता हूँ, जिससे कि ऊपर जा कर के मुझे कोई भी
प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े स्टोन की वजह से। तो बस अब बहुत सारा स्टोन भी हो गया, ऊपर रात हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं। चलो अब ऊपर की तरफ, यहाँ पे मुझे ये स्लैब तोड़नी पड़ेगी, ये थोड़ी स्लैब। अब मैं चलता हूँ ऐसी स्टोन लगाता हुआ सीधा ऊपर की तरफ। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो बस मैं स्टोन लगाता हुआ, सनराइज हो रहा था तब ये मैं ऊपर तरफ आ गया। भाई साहब कितने टाइम बाद आ रहा हूँ मैं। यहाँ पे लगा दी टॉर्च, जिससे मैं ये अपना माइनिंग एरिया कभी भूलूँ ना। इस तरफ भी लगा दो, इस तरफ भी लगा दो, एंड इस तरफ भी लगा दो, और तो इस तरफ भी लगा दो। चलो विलेज वालों, तुमने मुझे मिस किया ना, तो आज मैं अपने एक छोटा सा टेम्प्रेरी बेसिस पर एक छोटा सा एक हर्ट सा बना लेता हूँ, जिसके अंदर थोड़ी बहुत मेरी चेस्ट वेस्ट आ जाए और मुझे दिक्कत ना हो। कासल भी बनाऊँगा, बहुत बड़ा कासल बनाऊँगा, सबसे ज़्यादा अच्छा। तो वो सब देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करूँगा मैं, लेकिन मज़ेदार एकदम चीज़ें बनाऊँगा। तो मैं सोच रहा हूँ अपनी जो छोटी सी हर्ट बनाऊँगा मैं, उसे यहाँ पर को बना देता हूँ एकदम। अगर बाद में मुझे एक्सचेंज करने की पड़ी भी तो बाद में कर लूँगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। पहले यहाँ पे छोटा सा घर सा बना लेता हूँ टेम्परेरी बेसिस पे। नीचे ग्रास ही ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टोन पड़ा है मेरे पास, बहुत सारा है, और भी मैं नीचे माइन करता जाता हूँ तो मिलता ही जाता है। अभी तो मैं बहुत सारा लेके भी नहीं आया हूँ। तो मैं बनाता हूँ ये छोटा सा घर और फिर आपको दिखाता हूँ। A few moments later. तो फाइनली गाइस, बहुत टाइम लग गया मुझे हट बनाने में, कम से कम 15-20 मिनट लग गए। तो अपनी ये हट पूरी तैयार हो गई है। अब कम से कम विलेज वालों को तो मुझे परेशान नहीं करना पड़ेगा, बेचारे मेरी वजह से सो नहीं पाते थे, ये नहीं हो पाता था बेचारों। तो अब ठीक है ना, अपना घर है, अब विलेज भी बना, सब होगा। बस धीरे धीरे करके मैं डायमंड का चलो थोड़ा ही सही पहनूँ, तो ये पहनी डायमंड। भाई साहब क्या लुक निकल के आ रही है अपनी भी, अपने ही मज़े है ना। तो अभी आयरन वाले को मैं संभाल के रख देता हूँ, बाद में कभी काम आ जाएगा। ये ब्लॉक ऑफ रेडस्टोन एनविल को भी सेट कर देता हूँ इस तरफ में, कभी कुछ ख़राब वराब हुआ। एनविल बनाना बहुत ज़रूरी है, एनचेनमेंट है ना। दो फर्नेस बना लेता हूँ, इस तरफ लगा दूंगा है ना। कोल वोल मेरे पास पड़ा ही है, मुझे जाना है विलेज के अंदर और वहाँ से मुझे अपना सारा वो सामान लेके आना है। बहुत सारा सामान है जो वहाँ पे, जिस घर में मैं एक दिन रुका था उस घर में। अब पहले मैं एनचेनमेंट टेबल बना लूँ, दो डायमंड भी है, चार ऑब्सीडियन, बस एक बुक चाहिए, और बुक के लिए मुझे जो जो सामान चाहिए वो सब है मेरे पास। पहले मैं विलेज होके आ जाता हूँ तो बढ़िया सीन रहेगा। ये लामा को मारना पड़ेगा यार, सॉरी क्या करूं। भाई साहब आप ट्रेड में क्या दे रहे हो बताओ, इसके मुंह में मैंने मुंह घुसेड़ दिया। ये शेल दे रहा है लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो पिट के आप थोड़ा सा, जिससे आप मरेंगे तो दोनों की लीड मिल ही जाएगी ऑटोमेटिकली। एक, अबे ये देखना बच्चे मार रहे हैं मुझे। तो विलेज में अभी तो बहुत सारे विलेजर्स हैं, तो मुझे जल्द से जल्द बड़ा फार्म वो बनाना होगा, आयरन फार्म वर्ल्ड का नंबर वन वाला, तो वो भी जल्दी बनेगा। गाइस आप कमेंट करके बताओ आपको नेक्स्ट फार्म कौन सा चाहिए, नेक्स्ट फार्म उस पे वीडियो जल्दी से आ जाएगी, देरी नहीं करनी है अब अपने को, फटाफट वीडियोज डालनी है। आप बस पसंद करके बताओ आपको कौन सी वीडियो चाहिए, वो वीडियो नेक्स्ट डे हाजिर हो जाएगी। तो ये रहा घर, इसमें से मुझे चाहिए होगा बेड है ना, और ये चार वोल भी मिल गया, ये सारा सामान ही ले चलता हूँ। लेदर भी पड़ा है मेरे पास, बुक भी बन जाएगी, और शुगर केन है जिससे मेरा पेपर बन जाएंगे। ये इसका मैं क्या करूँगा, सैंड ले लेता हूँ, ये फ्लावर पॉट ले लेता हूँ, चेस्ट ही ले लेता हूँ ना, बस चेस्ट चाहिए। चलो सीट भी आई गई, अब यहाँ से मैं निकलता हूँ अपने घर की तरफ। अब घर पे जा करके एनचेनमेंट टेबल बना करके, और मुझे अभी अच्छी एबिलिटीज़ नहीं मिलेंगी एनचेनमेंट, मुझे अभी अच्छी एनचेनमेंट नहीं मिलेगी। एनचेनमेंट मुझे तब अच्छी मिलेंगी जब मैं उसके चारों तरफ वो लगा दूंगा बुक शेल्फ्स,
तो वो भी लगा देंगे आज थोड़ा बहुत। शुगर केन प्लांट ऑन रख देंगे, ऑफलाइन में बुक बना करके उसे प्लांट कर दूंगा। तो गाइज आज मैंने कोई फार्म तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ एन्चेंटमेंट टेबल बनाया और अपना ये छोटा सा घर सा बना लिया और डायमंड के सारे टूल वूल बन गए और थोड़ा डायमंड का थोड़ा सा ही सही लेकिन आर्मर में कवर हो गए। तो ये थोड़ी रैंडम वीडियो थी, ये किसी फार्म पे बेस्ड नहीं थी। तो अब मुझे बनाने होंगे पेपर, बन गए 3 मेरे से, ये बन गई मेरी एक बुक, अब बन जाएगा मेरा एन्चेंटमेंट टेबल। ओपी गाइस, अब मैं अपने सारे उस पर ना एन्चेंटमेंट ले लेता हूँ, कोई भी मिल जाए रैंडमली। लैपिस भी है मेरे पास, सब है। सबसे पहले सॉरी गाइस, ये क्या है, नो पैक अनब्रेकिंग अनब्रेकिंग, ओके ये तो बाद में, पहले इस पर एफिशिएंसी 1 मिल रही है, ये ले लेता हूँ। चलो अपनी डायमंड की, ये इसमें क्या मिल रहा है, शार्पनेस स्माइट 1 और अनब्रेकिंग 1। तो मेरे ख्याल में तो मुझे अनब्रेकिंग 1 ही ले लेता हूँ। अब शवल में एफिशिएंसी 1 ही मिल रही है और सॉर्ड में भी, वाह बची नहीं, एक्सपी नहीं है, 8 एक्सपी है मेरे पास। गेट बंद कर दो। अच्छा लैपिस नहीं है मेरे पास, लैपिस ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, लैपिस की माइनिंग कर लेंगे। तो अपने सारे ऑलमोस्ट टूल एन्चेंट हो गए, तो ये बहुत अच्छा सीन है। और मैं विलेज में भी थोड़े विलेजर्स को लाइब्रेरियन बना दूंगा, जिससे मुझे अच्छी अच्छी एन्चेंटमेंट मिलती रहेंगी। तो गाइज आई होप आप सभी को ये मेरी रैंडम वीडियो, थोड़ा इसमें काम ज़्यादा हुआ है लेकिन दिखा आप लोगों को कम ही होगा। तो आई होप आप सभी को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे हमारे 50 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज़्यादा क्लोज है तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।